हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल एडवांस स्टडी हब में। दोस्तों, फाइनली रिस्पांस शीट्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दी गई है स्टाफ नर्स की भर्ती से जुड़ी हुई और यहाँ पे एएनएम की भर्ती से जुड़ी हुई। और यहाँ पे आप सभी लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं टेक्निकल पैरामेडिकल कैडर की जो भर्तियाँ थी, फीडिंग डेमोस्ट्रेटर और आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर, सीनियर टीवी लेबोरेटरी सुपरवाइजर, होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर, यूनानी मेडिकल ऑफिसर, लैब टेक्नीशियन और यहाँ पे डेंटल सर्जन। तो इन सभी कैंडिडेट्स की यहाँ पे जो है अपनी अपनी रिस्पॉन्स शीट यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे आ चुकी है। लिंक आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दी गई है। 28 फरवरी तक का आपके पास यहाँ पे समय दिया गया है, तो आप लोग इस डेट तक अपनी अपनी रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड कर लीजिए। देखिए, रिस्पॉन्स शीट्स का मतलब यहाँ पे क्या है, जो भी क्वेश्चंस आप लोगों ने ऑनलाइन एग्जाम देते समय मार्क किए थे, तो अब आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं वो क्वेश्चंस के यहाँ पे आंसर सही है या फिर गलत है, या फिर एनएचएम द्वारा कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे हटा दिया गया है। तो ये इन्फॉर्मेशन भी वेबसाइट पे आप लोगों को नजर आ जाएगी, आप लोगों की रिस्पॉन्स शीट में ये इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। और एक कैंडिडेट की हमारे पास यहाँ पे डिटेल रखी हुई है, तो स्टाफ नर्स का वो कैंडिडेट है, तो उसकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उसकी बेसिस पे हम आपको बताएंगे कैसे आप लोगों को अपनी अपनी रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड करनी है। तो बिल्कुल भी समय व्यर्थ नहीं करते हैं, बोला जा रहा है यहाँ पे क्लिक हेयर करने को, और क्लिक हेयर कर देने के बाद आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से ये पेज नजर आएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे दो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए है, आपका एप्लीकेशन नंबर और आपका डेट ऑफ बर्थ। तो एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ, और जो भी वैल्यू यहाँ पे बोली जा रही है प्लस करने को, तो यहाँ पे मैं इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद करूंगा यहाँ पे कंटिन्यू, फिर बताता हूँ आगे का स्टेप यहाँ पे क्या रहने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पे देख पा रहे हैं एप्लीकेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ मैंने फिल कर दिया है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंटिन्यू। और देखिए, जैसे ही दोस्तों मैं कंटिन्यू करूंगा, तो जो भी यहाँ पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, ठीक है, जो भी आपने मोबाइल नंबर जो आपने प्रोवाइड कराया था एग्जाम फॉर्म फिल करते समय, उस पर जाएगा एक ओटीपी, ठीक है, वन टाइम पासवर्ड जाएगा। और वो जैसे ही आप लोग यहाँ पे फिल करेंगे, तभी आप लोग जो है अपनी अपनी रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं सबसे पहले कंटिन्यू कर देता हूँ, और कंटिन्यू कर देने के बाद वो पेज आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, बोला जा रहा है यहाँ पे एन ओटीपी हैज बीन सेंड टू एप्लीकेंट रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। एक ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भेजा गया है, वो हमें यहाँ पे प्रोवाइड कराना है। तो ओटीपी मेरे पास यहाँ पे रखा हुआ है, और यहाँ पे मैं आपके सामने यहाँ पे फिल कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने ओटीपी यहाँ पे फिल कर दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबमिट, और सबमिट ओटीपी कर देने के बाद देखिए डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, और यहाँ पे डाउनलोड कर देने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पे आगे की इन्फॉर्मेशन आपको नजर आएगी। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है यहाँ पे रिस्पॉन्स शीट, और आपको यहाँ पे मैं एक बार यहाँ पे समझा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे पूरी डिटेल्स वगैरह दी गई हैं, कैंडिडेट का यहाँ पे नाम दिया गया है, कहाँ पे एग्जाम दिया था इस कैंडिडेट ने, इसकी यहाँ पे टाइमिंग्स वगैरह दी गई है, टेस्ट टाइमिंग्स वगैरह, कौन सी शिफ्ट में ये एग्जाम हुआ था। सब्जेक्ट देख पा रहे हैं, स्टाफ नर्स यहाँ पे लिखा गया है जैसा कि मैंने आपको बताया है। मार्क्स यहाँ पे देख पा रहे हैं 55 मार्क्स इस कैंडिडेट ने यहाँ पे प्राप्त किए हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको भी मिलेगी कोई भी भर्ती हो, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया। और यहाँ पे देखिए, कैंडिडेट द्वारा जो ऑप्शन यहाँ पे चूज किया है, जैसे कि चूज ऑप्शन यहाँ पे चौथा यहाँ पे लिया गया है, और ये कैंडिडेट द्वारा बिल्कुल सही ऑप्शन है, तो ये इसको एक मार्क यहाँ पे मिल गया है, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे कि कैंडिडेट ने जो है दूसरा क्वेश्चन जो है, तो यहाँ पे इस कैंडिडेट ने किया है पहला ऑप्शन को चूज, जबकि यहाँ पे आंसर जो है सेकंड नंबर का है, तो ये क्वेश्चन जो है इसको यहाँ पे इसका कोई भी मार्क नहीं मिला है। और आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं 0 मार्क्स यहाँ पे लिखा गया है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे आप लोगों को चेक कर लेनी है, पूरा यहाँ पे इसको नीचे तक देख लेना है, और पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इसमें दे दी है। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे वीडियो के नीचे जाइए, और वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पेज की लिंक यहाँ पे ले लीजिए, जो भी आपकी यहाँ पे पोस्ट रहने वाली है आप लोग अपनी अपनी रिस्पॉन्स शीट यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए, और बड़े आराम से आप लोग सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ज़्यादा बड़ा अपडेट नहीं बनाया है, थोड़े से समय में ही आपको यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है। सबसे पहले इस वीडियो को यहाँ पे लाइक करिएगा, दिल से इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कोई भी सवाल वगैरह है आप लोग हमसे यहाँ पे पूछ सकते हैं, और सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी इन्फॉर्मेशन आगे आने वाली है, काफ़ी अपडेट यहाँ पे वेबसाइट पर आ चुके हैं, वो मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो चैनल पे यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो के नीचे जाइए, सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर लीजिए, और थैंक यू का मैसेज भी कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं अगर लगता है ये इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ प्राप्त हुई है। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।